हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आप सभी को स्वागत है अपने चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सोशल साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरी देखना है, और आपको कितना याद है ये आप अपने आप जो है निरीक्षण कर लीजिएगा, मुहासबा कर लीजिएगा कि आपको कितना याद है सवाल। अगर याद है तो नीचे कमेंट करना, नहीं याद है तो इसको नोट करना, बिकॉज सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछे गए हैं बहुत बार एग्जाम में और पूछे जाने की संभावनाएं भी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा सबसे पहला है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? ओके, आपने अगर याद कर लिया तो अच्छी बात है, अगर आपने याद नहीं किया होगा तब तो भाई याद करना पड़ेगा। सवाल हमारा बोलता है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है। अब देखिए, एक सवाल एक बनता है, आप एक बार बोलते हो सर मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं होता, तो देखिए कैसे याद करना सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिस तरह से मैं बता रहा हूं पहले इसको समझिए सवाल को। और इसी तरीके से आप ना ऐसा एक्टिंग करो, दिमाग के साथ ऐसा खेलो उसको लगे कि आप किसी को पढ़ा रहे हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाता है जब मैं आपको पढ़ाता हूं। तो मेरे को याद हो जाता है, पहले याद नहीं था, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाता हूं ना तो मेरे दिमाग में सेट हो जाता है। मैं भी चाहूं तो पढ़ा कर ये सब बातें लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं ना उस तरह तुम भी दिमाग के साथ खेल खेलना कि भाई हम भी किसी को पढ़ा रहे हैं, और जैसे मैं बोल रहा हूं उसी प्रकार आपको समझा के बोलना है। मानो कि तुम्हारे सामने कोई बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसी करना है। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक काम है ना, प्रक्रिया एक प्रोसेस है, काम है, जिसमें वस्तुओं का आदान उत्पादन मानव के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होता है। औद्योगिक मतलब उद्योग से बना। अब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु का जो उत्पादन हो रहा, नई नई चीजें बन रही है ना, नई बड़ी बड़ी मशीनें बन रही, बड़ी बड़ी चीजें जो बन रही है, अलग अलग तरीके से जो चीजें बन रही, जो वस्तु का उत्पादन हो रहा, मैन्युफैक्चर हो रहा, वो मशीन के द्वारा, आदमी के हाथ से नहीं बल्कि मशीन के द्वारा हो रहा। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी चीजें ऐसी है जिसमें आदमी तो लगता है नहीं, पूरा मशीन सब कुछ मशीन कर देता है। इसमें उत्पादन वृहद पैमाने पर होता है, मतलब बड़े पैमाने पर उत्पादन जो होता है बड़े पैमाने पर होता है, और जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। अब जब बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा तो उसको खर्चा करने के लिए भी बड़ी सी मार्केट चाहिए, है ना, बड़ा सा बाजार चाहिए। नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर औद्योगिकरण निर्भर करता है। देखिये, नए नए मशीनों का आविष्कार होना, टेक्निक पैदा हो जाना, तो इसी को बोला गया औद्योगिकरण। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीनों के अलावे निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इतना लिखे चालू आपके लिए काफी हो। फिलहाल इस वीडियो में इंग्लिश का सवाल इंग्लिश में नहीं दे पाया, बिकॉज हाथ से लिखा हुआ, हाथ से इंग्लिश का लिखना बहुत काफी मेरे लिए हो रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ हिंदी में दे दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति उसी से रिलेटेड सवाल है, उद्योग से ही बना औद्योगिक क्रांति। देखिए, वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं उत्पादन को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। समझ आ रहा, ये वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा, यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नई नई मशीनों का आविष्कार होना, नई नई टेक्निक का विकास होना, और बड़े बड़े कारखानों में जो है व्यापक पैमाने पर बड़े स्तर पर जो है वस्तुओं का उत्पादन होना, उसे क्या बोला गया, औद्योगिक क्रांति बोला गया। ऐसा नहीं कि जो हम बोल रहे हैं एकदम सेम टू सेम ऐसे लिखना है, बात को आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, अपने हिसाब से समझा के बातों को समझा सकते किसी को, ठीक है ना। इसका केंद्र इंग्लैंड में था जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था, कहां था, इंग्लैंड में था। अब देखो, औद्योगिक क्रांति जो हुआ था ना, तो हुआ क्या था, वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। मतलब बड़े बड़े मशीनों, बड़े बड़े कारखानों में व्यापक वस्तुओं का जो है व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन हुआ, उसको औद्योगिक क्रांति बोला गया। मतलब उस साल बहुत ज्यादा हुआ था। ये कहां हुआ था, इंग्लैंड में शुरू हुआ था। ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, 1750 के बाद आरंभ हुआ था, है ना, 1750 के बाद। आगे सवाल बोलता है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, बताइए इसका आंसर, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। देखिए, अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति, समझ रहे ना, अर्थतंत्र में, या तो अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हैं इसको, या आर्थिक भी बोल सकते हैं, आर्थिक तंत्र में या अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति वैसा कंडीशन, वैसी हालत, जब उसके तीनों आधार, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, ये आर्थिक का जो सबसे मेन आधार है, कृषि, उद्योग और व्यापार, अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए जब आर्थिक व्यवस्था का तीनों आधार जो है कृषि, उद्योग, व्यापार, विकास अवरुद्ध हो जाए, विकास ना हो, विकास होना रुक जाए, विकास होना बंद हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बिल्कुल, और जब विकास ही ना हो तो लाखों रोजगार बेरोजगार हो जाएंगे।
बैंक और कंपनियों का दिवाला भी निकल जाएगा, बैंक बंद हो जाएंगे है ना, कंपनियां बंद हो जाएगी, तथा वस्तु और मुद्रा दोनों में बाजार में कोई कीमत नहीं रहेगी। जब बैंक का दिवाला निकल जाएगा तो वस्तु और मुद्रा दोनों की कीमत दोनों की बाजार में कीमत ही नहीं रहेगा। जब वस्तु उत्पादन नहीं हो पाएगा है ना, कंपनियों का दिवाला हो जाएगा तो क्या होगा, कीमत ही नहीं रहेगा, तो इकोनॉमिक ही नहीं बन पाएगा कोई वस्तु, सब एकदम सस्ता मिलने लगेगा। तो यार क्या समझे, कीमत ही नहीं रहेगी वस्तु बाजार में, कोई वस्तु का कीमत ही नहीं रहेगा। जिस वस्तु की कीमत बढ़ती है ना, जब किसी वस्तु की मार्केट में किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस मार्केट का इकोनॉमिक भी डेवलप होता है। अगर हमारे देश में कोई भी चीज मिल रहा, अगर सस्ती मिल रही है कोई चीज, तो इसका मतलब इकोनॉमिक डाउन है, और जब ज्यादा महंगी जब होती है ना, इकोनॉमिक वहां पे डेवलप मांगता है। अब ऐसा नहीं कि ज्यादा एकदम हाई लेवल हो जाए, ऐसा ही बात नहीं, दोनों का कंट्रोल होना। तो जब ऐसा हो जाए तो मुद्रा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत नहीं रहेगा, वस्तु क्या मुद्रा क्या सब बराबर। ओके, तो यह है आर्थिक संकट। आगे सवाल क्या बोलता है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। देखिए, जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है। संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया, समझ रहे हैं ना। भूमंडलीकरण पूरे वर्ल्ड का, जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप, दुनिया जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में क्या जोड़ दिया, हर लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया, तो हम उसी को बोलेंगे भूमंडलीकरण, ठीक है ना। जो पूरे पूरे विश्व के जितने सारे गांव हैं, सभी गांव आपस में क्या हो गए, मिल गए, तो उसे क्या बोलेंगे, भूमंडलीकरण बोलेंगे। आगे सवाल है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। इम्पोर्टेंट सवाल है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। देखिए, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की थी। दांडी यात्रा का उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। ये मतलब सवाल आपको दो नंबर में लिखना है, ठीक है ना। दो नंबर में इतना लिखेगा काफी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं। पूंजीवाद क्या होता है ये जानते हैं, पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवाद से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के साधन पर व्यक्तित्व स्वामित्व होता है। मतलब पूंजीवाद मतलब प्राइवेटाइजेशन जिसे बोलते हैं, प्राइवेट चीज जो होता है, ठीक है ना। तो पूंजीवाद से इसका मतलब ये होता है, तात्पर्य ये होता है कि अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिकली है, अर्थव्यवस्था से है जिसमें उत्पादन, जो भी चीज उत्पादन किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जो भी चीज है ना, तो उसका जो व्यक्तित्व है, मतलब एक पर्सनल कोई मालिक होता है, कोई स्पेशल, समझ रहे ना, एक कोई प्राइवेट मालिक होता है, स्वामित्व होता है। इसका उद्देश्य लाभार्जन है। अब देखिए, जो मालिक होता है खुद, तो चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाएं। जैसे जियो का देख लो, जियो का मालिक अंबानी साहब है, मोदी जी तो है नहीं, जो सभी इंडिया को देखेंगे, लेकिन ये जियो है। अब उसको चाहिए दुनिया भर में जाए, हमको पैसा कमाना है, फायदा कमाना है ना, उसको उससे मतलब नहीं। तो जो पूंजीवाद होता है उसी को बोलते हैं, उसका क्या होता है, लाभार्जन। जैसे जो पूंजीवाद, उसको पूंजीपति बोलते हैं, पूंजीपति है ना। तो इसका उद्देश्य लाभार्जन है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। अब बाजार में कितना डिमांड है वस्तु का, उसके हिसाब से उसका क्या होता है, ये होता है कीमत लगता है। जैसे देखो, अभी आपने अभी इंटरनेट का हमको लत लगा दिया सभी को, जियो का एक मिसाल बता रहे, जियो ने पूरा इंटरनेट का लत लगा दिया, इंटरनेट सब चला रहे। अब जिसके पास इंटरनेट नहीं चलेगा भाई, बेचैन हो जाएगा वो, उसको लगेगा कि बस मेरी जिंदगी का एक अंग निकल गया है ना। मतलब चाहिए तो चाहिए, इंटरनेट चाहिए, खाना मिले चाहे नहीं मिले, इंटरनेट हमको चाहिए तो चाहिए। तो इसका मतलब आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ गई है। अब जरूरत पड़ गई तो कीमत को बढ़ाएगा, आपको खरीदना पड़ेगा, मजबूरी में खरीदना पड़ेगा, है ना। तो यही है पूंजीवाद, अपना मर्जी से करता है। चलिए, नई आर्थिक नीति क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। नई आर्थिक नीति क्या है, लेनिन ने 1921, ये लेनिन वाला, ठीक है ना, लेनिन ने 1921 में एक नई नीति की घोषणा की जिसमें मार्क्सवाद के मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित बातें थी, वो बातों जानते हैं। तो लेनिन ने आपको पढ़ना, 1921 में नई आर्थिक नीति लागू किया था। किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया, लेनिन लगाया था। अनाज किसान सब नहीं लेने लगा, अब कर टैक्स लेने लगा। बचा हुआ अनाज किसान का था, वह उसका मन चाह इस्तेमाल कर सकता था। ये था लेनिन का नियम नई आर्थिक नीति में। आगे, यह सिद्धांत किसानों में कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की होगी। मतलब जमीन रहेगा राज्य का, जो भी जमीन किसान जो भी खेती करेगा जमीन में, वो जमीन राज्य के अंतर्गत आएगा, लेकिन उसका व्यवहार, उसका इस्तेमाल कौन करेगा, किसान करेगा। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। मतलब जिससे
जिस कंपनी में या जो बोलो जिस संस्था में अगर 20 से कम कर्मचारी है तो उसको प्राइवेट घोषित कर दे कि वो प्राइवेट होगा। तो ये बोला गया 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग, जो भी उद्योग होगा व्यक्तित्व रूप से चलाने का अधिकार दे दिया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया, उद्योगों का क्या किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया। ओके, विभिन्न स्तरों पर बैंक की स्थापना की गई। तो लेनिन का नई आर्थिक नीति था 1921 में जो उन्होंने लाया था। ओके, तो इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन सा सवाल याद था। देखो ऐसा मैं नहीं है कि आप जो मैं बताया एकदम वैसे ही याद करना, आपके अनुसार आपके गाइड में आपके सर ने जो लिखा होगा चाहे जैसे भी तो उसको भी आप फॉलो करो कि किसी तरीके से आपको याद करना है। ओके, फिलहाल वीडियो क्लास करते हैं, कैसे लगे नीचे कमेंट करना एंड वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।